स्टूडेंट एंड वेलकम बैक ऑफ टुडे जीके क्लास। बच्चों आज जो क्लास है ये मिक्स बैग के ऊपर है। इसका मतलब है कि हमने जितनी भी टॉपिक्स को पढ़ा आज हम कुछ अलग अलग टॉपिक को मिक्स करते हुए पढ़ेंगे एक ही चैप्टर में, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ये आपका कौन सा चैप्टर है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 है आपकी बुक का, ओके। और इस चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है मिक्स बैग, मतलब सारे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको मिक्स करते हुए, मतलब उन सभी को एक जगह पे करके हम लोग उसको पढ़ेंगे एक टॉपिक में समझ के, ठीक है। तो आज की क्लास तो हम लोग चालू करते हैं और लिसन केयरफुली। ये जो क्लास है ये क्लास 1 स्टूडेंट के बच्चों के लिए है। किसके लिए? क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए, ओके। चलिए तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस क्लास का मेन फोकस क्या रहेगा, हम किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देंगे या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसका पहला है क्या, गुड हैबिट हम लोग पढ़ेंगे। गुड हैबिट मतलब हमें अच्छी आदतें सीखनी चाहिए, तो क्या क्या अच्छी आदतें हो सकती हैं। दूसरा, बर्थडे फन, मतलब जब हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें कैसे कैसे हम लोग मस्ती करते हैं, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ओके। और लास्ट में समझेंगे फन एक्टिविटीज़, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो कि मस्ती मजाक वाला रहेगा, ठीक है, और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए और इसका ऑब्जेक्टिव, जो इस चैप्टर को पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस चैप्टर को पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव है टू स्टार्ट अ डिस्कशन ऑन गुड हैबिट, मतलब आप इस चीज़ को समझो कि अच्छी आदतें क्या हो, ठीक है, क्योंकि यही आदत या यही हैबिट आपको आपको अच्छे लोग से मिलवाएंगी। अगर आप गलत संगत में हो तो गलत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कौन कौन सी अच्छी आदत है जो आपकी सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट और क्या पढ़ेंगे, टू टीच चिल्ड्रन द 4 मैजिकल गोल्डन वर्ड, दैट इज सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी और प्लीज, ओके। इट मीन्स कि ये 4 ऐसे वर्ड हैं जिसे गोल्डन और मैजिक वर्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ड पहले क्या है, ये सॉरी तो एंड थैंक यू, एक्सक्यूज मी और प्लीज, तो इन 4 वर्ड के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए तो अपनी क्लास हम शुरू करते हैं और आज की पहले टॉपिक से मिलते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, तो बच्चों टॉपिक क्या है, आप टॉपिक है पहला गुड हैबिट, मतलब हैबिट का मतलब होता आदतें और गुड का मतलब होता है अच्छी। तो गुड हैबिट मीन्स टू बी पॉलाइट एंड नाइस टू एवरीवन, ओके। इफ यू वांट दैट एवरीवन शुड लाइक यू, यू मस्ट हैव गुड हैबिट टू, मतलब अगर आपके अंदर पोलाइटनेस है, नाइसपन है, तो आपको क्या है, लोग आपके साइड अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे। और अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपको अपने अंदर कुछ अच्छी आदत रखनी है, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारी अच्छी आदतें होती हैं, जैसे कि हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, जो कि इस पिक्चर में बना हुआ है, देखिए, ठीक है। जैसे हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ओके। और भी ऐसी आदतें होती हैं जो कि हमको अपने अंदर रखनी है, जिससे कि लोग हमें अच्छा व्यक्ति समझें, अपनी बातों से या अपने जो बिहेवियर है इसे ऐसा कभी नहीं दिखाना चाहिए जिससे ये पता चले कि हाँ हम में कुछ कमी है, ठीक है। देखिए पहला एक्सरसाइज जो दिया हुआ है इसमें क्या, टिक राइट, मतलब राइट मार्क करना है आपको, कहाँ द जहाँ गुड हैबिट है उस जगह पे सही का मार्क लगाना है, ठीक है। और जहाँ गुड
बैड हैबिट है उस जगह पे क्रॉस का निशान लगाना, मतलब आप वो काम नहीं करना है तो उस जगह पे क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी कर दिया है तो चलिए इसी को एक बार समझते हैं। ठीक है, पहला पिक्चर में देखिए दो बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। क्या ये करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे गलत है। ठीक है, हमें हमेशा ब्रश करना चाहिए, चाहे सुबह और शाम, मतलब दोनों टाइम हमें करना चाहिए, ये सही आदत है। ठीक है, कभी भी पानी खोल के पानी बर्बाद करते हुए हमें नहीं नहाना चाहिए, जितना हमें पानी की ज़रूरत है उतना ही हम नहाएं, तो वो क्या है, वो अच्छी आदत है, लेकिन पानी बर्बाद करना ये बहुत बुरी आदत है, इसलिए यहाँ क्रॉस का निशान लगा है। देखिए एक फोर्थ में एक बच्चा क्या कर रहा है, दीवार पे लिख रहा है कि नहीं, तो ये दीवार पे नहीं लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि लिखने के लिए कॉपी है, आप वहाँ पे लिखिए, है ना, वाइट बोर्ड होते हैं उस पे आप लिखिए, लेकिन दीवार पे लिख के उसे गंदा नहीं करना चाहिए। पांचवा क्या कहता है बेटा, देखिए डस्टबिन में हमेशा अपने वेस्ट मटेरियल को फेंकना चाहिए। देखिए यहाँ पे फेंका हुआ है ना, फेंक रहा बच्चा, इसलिए ये क्या है, गुड हैबिट है। ओके, और लास्ट में देखिए ये क्या है, रोड पे खेल रहे हैं, रोड पे कभी नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई गाड़ी, देखिए जैसे ये सामने से गाड़ी है तो इससे टकरा जाएगा और ये बच्चे को चोट लग जाएगा, तो इसीलिए कभी भी हमको खेलना नहीं चाहिए रोड पे। खेलने के लिए इंडोर गेम होते हैं, खेलने के लिए आउटडोर गेम होते हैं जो ग्राउंड में खेले जाते हैं, आप वहाँ पे खेलिए, है कि नहीं। और भी इसके अलावा बहुत अच्छी आदतें होती हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें क्या कहना चाहिए, सॉरी। सॉरी कहने से हम कभी छोटे नहीं होते, ठीक है, सॉरी हमेशा कहना चाहिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर मान लीजिए किसी ने, जैसे बड़े आपसे बड़ों या आपसे छोटा भाई, कोई भी आपको कोई गिफ्ट देता है ना, आपका काम आपका हेल्प करता है, तो आप उसे थैंक यू भी कह सकते हो। ठीक है, थैंक यू कहने से ये आपके अंदर का क्या होता है, गुड हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। प्लीज़, अगर मान लीजिए किसी से आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कह के अपना काम कर सकते हैं कि प्लीज़ कि आप मेरे लिए ये कर दीजिएगा, तो ये सब क्या है, ये अच्छी आदत है। और एक्सक्यूज़ मी, मतलब आप उनसे एक्सक्यूज़ कह रहे हो कि भाई ठीक है मुझे कुछ काम आ गया, मैं थोड़ा जा रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है, एक्सक्यूज़ मी, मैं मुझे ये, ठीक है कि आप मेरे साइड अटेंशन कीजिए, एक्सक्यूज़ मी का मतलब, ठीक है। तो ये ऐसे चार वर्ड है जिसे कहने से हम क्या होता है, हमारे अंदर का और गुड हैबिट ये क्या होता है, पता चलता है कि हाँ हम कितने अच्छे सभ्य फैमिली से बिलोंग करते हैं। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये क्या है, चेक इट आउट, मतलब हमें अभी चेक करना है अपने आप को कि हम क्या करते हैं सही और क्या नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो किया हुआ है ये मैं कर दिया हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से भरिएगा। जैसे डू यू वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट, खाना खाने से पहले क्या आप अपने हाथों को धोते हो? अगर हाँ तो यस, ठीक है, अगर नहीं धोते हैं तो वहाँ लिखिए नो। ठीक है, मैं तो भाई धोता हूँ इसलिए मैं यस लिखा हूँ, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ को अच्छे से धोना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, डू यू ब्रश योर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, क्या आप ब्रश सवेरे करते हैं और नाइट में सोने से पहले, ठीक है, उठने के बाद और सोने से पहले आप करते हैं? मैं तो करता हूँ भाई, इसलिए मैंने लिख दिया है यस, है कि नहीं। चलिए तीसरा क्या है, डू यू ईट टू मेनी चॉकलेट्स टॉफीज एंड चिप्स, क्या आप खूब सारे टॉफी चॉकलेट और चिप्स वगैरह खाते हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि दांत सड़ जाता है उससे, इसलिए मैं नहीं खाता हूँ। आप लोग बच्चे हो है ना, पापा तो खूब ला ला के देते होंगे, खाइए दांत और खराब कीजिए, है कि नहीं। तो आप लोग करते हो तो यस लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, डू यू ड्रिंक मिल्क रेगुलरली, क्या आप अपने दूध पीते हैं रेगुलरली, मतलब प्रत्येक दिन? भाई मैं तो पीता हूँ इसलिए मैंने लिख दिया यस। आप अपना जान, आपको लगता है
पीना चाहिए तो लिखिए यस, ये अच्छी आदत है तो ये लिखिए यस, और नहीं तो इसको लिखिए नो। चलिए नेक्स्ट है, डू यू से सॉरी व्हेन यू सीन्स सिटिंग विथ योर फ्रेंड। सीन्स का मतलब होता है बेटा छींकना। सीन्स का मतलब क्या होता है? छींकना। देखिए इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है छींकना। ओके, सीन्स का मतलब छींकना। तो छींकने के बाद में सॉरी कहना चाहिए? हाँ बेटा कहना चाहिए सॉरी। जैसे मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के साथ में बैठे हो, वहाँ पे उनके छींक दिए, तो ये गलत बात है, उनके मुंह पे नहीं छींकना चाहिए, दूर होके कहीं छींक लीजिए। ठीक है, ये चीज़। फिर है, डू यू कीप थिंग बैक इन देयर प्रॉपर प्लेस। क्या आप कोई सामान अगर कहीं से उठाते हैं तो उसे उसी जगह पे कहीं रख देते हैं? तो वहाँ क्या करना है? रख देना चाहिए। तो ये तो अच्छी आदत है कि अगर आप कोई सामान यूज़ करने के लिए लिए हैं और फिर उसको उसी जगह पे रख दीजिए, तो क्या है? यस। ठीक, नेक्स्ट है, डू यू टॉक विथ योर माउथ फुल ऑफ फूड। मतलब मुंह में खाना रख कर क्या बात करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुंह से खाना गिर जाएगा और ये अच्छी आदत भी नहीं है, इसलिए मुंह में रख के खाना कभी बात नहीं करना चाहिए। चलिए अब इसके आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसी पेज का जो पेज नंबर 47 का है, इसमें दिया है, डू यू से गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। क्या आप गुड मॉर्निंग कहते हो अपने पेरेंट्स को? मैं तो कहता हूँ, इसलिए मैंने यस लिखा। अब आप लोग जानिए कि आप कहते हैं या नहीं कहते। अगर नहीं कहते तो कहिएगा, ये अच्छी आदत आपके अंदर का गुड हैबिट को क्या कहता है? बतलाता है। चलिए नेक्स्ट है, डू यू से सॉरी व्हेन यू हर्ट समवन और डू समथिंग रॉन्ग। मतलब आप क्या सॉरी कहते हो अगर किसी का क्या कहते हो हर्ट करते हो किसी को या कोई गलत काम करते हैं? जैसे चाय गिरा दिए, है ना, ले जा रहे थे, चाय गलती से गिर गई, तो सॉरी कह दिए आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, होमवर्क मान लीजिए आपने नहीं किया तो सॉरी कह दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट दिन करना भी चाहिए। ठीक है, तो मैं सॉरी कहता हूँ इसलिए मैंने यस लिखा। चलिए नेक्स्ट है, डू यू से थैंक यू when somebody gives you something or does something for you। मतलब थैंक यू कहना चाहिए जब कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए कोई काम करे या, ठीक है, तो हमें क्या कहना चाहिए? यस सॉरी कह देना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, डू यू से प्लीज व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग। प्लीज कहना चाहिए जब अगर आप किसी को आस्क कर रहे हैं किसी समथिंग काम के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे प्लीज कहना चाहिए, ये अच्छी आदत है, तो इसको क्या कहते हैं? यस। नेक्स्ट है, डू यू वॉच टेलीविजन फॉर मोर देन 1 आवर। भाई मैं तो नहीं देख पाता हूँ तो इसीलिए मैंने लिखा नो। मतलब टेलीविजन टीवी हमको क्या 1 घंटे से ज़्यादा देखना चाहिए? तो मैं, ये तो गलत बात है, नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैंने लिख दिया नो। अब ये आप जानो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? बर्थडे पार्टी, है ना। बर्थडे पार्टी मतलब, अच्छा हम लोगों का बर्थडे आता है ना, आप लोगों का तो आता ही है, और उसमें बर्थडे में हम लोग खूब सारी मस्ती करते हैं। कैसे मस्ती करते हैं? ये देखिए, केक मंगाते हैं पापा से कह कह के, फ्रेंड्स बुलाते हैं, बैलून वगैरह लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं, केक काटते हैं, क्लैपिंग होती है, फिर गिफ्ट्स वगैरह मिलता है, फिर अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग खाते हैं, है ना। और इन सब में आप मुझे बुलाना भूल जाते हो, है कि नहीं? इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोगों का बर्थडे रहे मुझे ज़रूर बुलाइएगा, ओके, मैं और मस्ती करवाऊँगा। चलिए इसी से रिलेटेड बेटा देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे लुक एट द पिक्चर एंड आंसर दीज क्वेश्चन। आपको ये आंसर बताना है। ठीक है, हाउ ओल्ड इज अनु टुडे। मतलब अनु कितने साल की हो गई है? तो ये आपको बच्चे यहाँ पे क्या करना है, देखिए कैंडल लगा हुआ है, इसी से आप समझ जाइए कि वो कितने साल की हो गई है।
कैंडल कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मतलब 6 ईयर की हो गई है अनु, 6 साल की हो गई है। ओके, ज़्यादातर कैंडल से पता चलता है कि वो कितने साल की हो गई है, तो इसीलिए जितने कैंडल जलते हैं उतने साल की हो गई है वो। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी फ्रेंड्स हैव कम टू हर पार्टी, मतलब अनु के ये बर्थडे पार्टी में कितने फ्रेंड्स आए हैं, तो काउंट कर लीजिए अनु के बर्थडे में कितने पार्टी आए हैं, कितने उनके दोस्त आए हैं। तो अनु को छोड़ के 6 दोस्त उसके आए हुए हैं पार्टी में, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। और लास्ट है थर्ड वाला, व्हाट आर हर फ्रेंड्स डूइंग फॉर अनु, मतलब अनु के लिए उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, तो क्लैपिंग कर रहे हैं अनु के लिए, क्या कर रहे हैं, क्लैपिंग, ठीक है। केक काटते वक्त टाइम पे हम लोग क्लैपिंग करते हैं ना, तो वो क्लैपिंग कर रहे हैं। चलिए देखिए एक और एक्सरसाइज, अनु सेलिब्रेट हर बर्थडे, यूज द पिक्चर एंड क्लू एंड राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपकी बुक में ये पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है बच्चों, ये मैं कर दिया हूँ, आप देख सकते हो। पहला क्या है, कैंडल, ठीक है। दूसरा बैलून, तीसरा कलर्स, चौथा डॉल, पांचवा बैग, छठवा बॉल, सातवा टॉफीज एंड लास्ट केक, आठवां, ठीक है। तो ये आप इस हमें लिख दिया हूँ, आप इसे सॉल्व खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। पहले खुद से कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप देख के कीजिएगा। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से यहीं पे आपका सिलेबस और आपका बुक का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं और अब हम देखते हैं क्या होमवर्क, कि हमें होमवर्क क्या मिला है। तो हमें मिला है, डू ऑल द एक्सरसाइज इन योर बुक एंड नोटबुक। आपको बुक और नोटबुक में क्या करना है, इसे लिखना है जितना भी इसमें एक्सरसाइज दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, राइट 5 गुड हैबिट इन योर नोटबुक, मतलब आपको कोई भी 5 गुड हैबिट हमको लिखना है कॉपी में, ठीक है, और उसे लर्न भी करना है। और लास्ट क्या है, लर्न ऑल द एक्सरसाइज, और जितनी भी एक्सरसाइज आपको दी गई है इस किताब में, इस चैप्टर में, आप उसे कंप्लीट कीजिएगा। ओके, तो बच्चों इस तरीके से आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस जो भी मैंने बताया होगा आप उसे समझ गए होंगे। अच्छा, अगर कोई बात नहीं समझे हैं तो नेक्स्ट ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, मैं उसे उसमें क्लियर कर दूंगा। ओके, चलिए इसी तरीके से फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।